तो बच्चों आज आपकी लाइव नंबर तीन है आप सबको पता है तीसरी क्लास है ना ये मालूम है ना तुम्हें कि नहीं चैप्टर नंबर वन चल रहा है खत्म हो गया आज चलेगा कल मैंने आपको रेफनल इरेफनल के बारे में पढ़ाया था अंडर रूट ट्वेंटी सेवन ये रेफनल नंबर है या नहीं बोलो हाँ या नहीं ये रेफनल नंबर है या नहीं है आ, बताना था कल ना

फाइव रेफनल नंबर बिटवीन थ्री अपान फाइव एंड फोर अपान फाइव यानी तीन बटा पांच और चार बटा पांच के मध्य यानी बीच में पांच परमीय संख्या निकालनी है कितनी निकालनी है पांच परमीय संख्या निकालनी है आइए देखिए समझिए तीन बटा पांच और चार बटा पांच के बीच में क्या करना है पांच परमीय संख्या निकालनी है जैसा कि मैंने आपको कल बताया था बच्चों कि किन्नी भी दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्याएं होती हैं इनफाइनाइट होती इनकी संख्या अनलिमिटेड होती है कोई लिमिट नहीं होती तो हमें क्या करना है तीन बटा पांच व चार बटा पांच के बीच में आ, के बीच पांच परमीय संख्या निकालनी है साथियों जितनी परमीय संख्या निकालनी होती है उससे एक अधिक बढ़ा करके गुड़ा कर दिया जाता है ठीक है अंश और हर में यानी हमें पांच संख्या अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे अंश और हर दोनों में छह से गुड़ा कर देंगे ठीक है यह याद रखना ऐसे तो यह बन जाएगा अठारह बटा तीस और यह बन जाएगा चौबीस बटा तीस क्लियर अब यहां आप लिखोगे अठारह बटा तीस और ये चौबीस बटा तीस ऊपर चाहे तो आप एक लाइन लिख लोगे अतः अतः अठारह बटा तीस व चौबीस बटा तीस के मध्य पांच परमे संख्या यहां एक लाइन लिख लेना अतः अठारह बटा तीस व चौबीस बटा तीस के मध्य पांच परमे संख्या इस प्रकार है ठीक है इसमें हो जाएगा उन्नीस बटा थर्टी ट्वेंटी अपान थर्टी ट्वेंटी वन अपान थर्टी ट्वेंटी टू अपान थर्टी और ट्वेंटी थ्री अपान थर्टी ये आपकी पांच परमीय संख्याएं हो गई ठीक है बच्चों देखिए दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती हैं पूजा यादव हाँ जी कमेंट आ रहा है ठीक है तो इसमें कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था जी बच्चों ने मतलब जिन्होंने देखा था कि इनकी संख्या कोई लिमिट में नहीं होती कि आप बताओगे तो हो, कर आएगा, आएगा, तो हो ना इसे ग्यारह बटा पंद्रह भी लिख सकते हैं इसको भी सरल कर लेंगे तीन सत्या तीन दहा तीस तो सात बटा दस हो जाएगा हो सकता है आपकी किताब में सरल करके ही दिया गया हो समझ रहे हो ना तब ये सात बटा दस ये ग्यारह बटा पंद्रह ऐसे अलग अलग संख्याएं आएंगी तो वो भी सही है ये भी सही है टेंशन नहीं लेना आप ऐसे लिख देना बस ठीक है प्लस माइनस कर लेंगे वन को, अच्छा, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना अर्पित सिंह ठीक है चंदन बहुत अच्छे चंदन अश्वनी सभी साथी फटाफट सेशन को लाइक करो बाबू आपकी जिम्मेदारी है, है ना सेशन को लाइक जरूर करो सभी जितने भी बंदे जुड़े हैं ठीक है आगे बढ़ा जाए चलिए तो आपका 1.1 खत्म हो गया बच्चों 1.2 की तरफ आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 खोल लीजिए सभी बच्चे 1.2, देखिए बच्चों कल आप लोगों ने और परसों दो क्लास देखा है ना उसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम का बेसिक बताया था जिसमें आपको मैंने परमीय संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या भाज्य अभाज्य संख्या ये बताया था ना, बताया था ना, जो ये अंकिता सिंह बता रही वो भी तरीका सही है वो दूसरा तरीका है जिसमें प्लस वाला जो दो संख्याओं को जोड़ करके दो से भाग करते हैं तो एक और संख्या आ जाती मध्य वाली वो अलग तरीका है अंकिता जी बिल्कुल आपका कमेंट मैं देख रहा हूँ वो तरीका तब लगाते हैं जब हमें दो परमीय संख्या के मध्य एक परमीय संख्या या बहुत ज्यादा दो संख्या निकालनी हो तब लेकिन जब ज्यादा परमीय संख्या निकालनी होती है तब उस तरीके से बहुत लंबा हो जाता है ठीक है थोक रेट में नहीं आता उसमें एक एक निकालना पड़ता है ठीक है दीक्षा जी कमेंट आ रहा आपका तो बच्चों कल मैंने पढ़ाया था परमिया परमिया के बारे में ना प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या इत्यादि ये सब पढ़ाया था आप लोग हेडिंग डाल लीजिए चाहे संख्या ठीक है संख्या हेडिंग लिखिए। देखिए संख्या का प्रकार मैं पहले आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें जो 1.2 में पढ़ना है उसमें कुछ कहानी बड़ी है समझिए क्या बताने वाला हूं मैं बच्चों जो संख्या होती है नंबर ना मुख्यतः दो प्रकार की होती है एक वास्तविक संख्या होती है या आप समझ लो चाहे लिख लो वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर बोलते हैं रियल नंबर और एक होती है काल्पनिक संख्या जिसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इमेजिनरी नंबर ठीक है समझना हाँ ठीक है आपकी बात सही है बहुत अच्छे अंकिता जी कन्फ्यूजन में है ये कह रही कि अगर किन्हीं दो परमीय संख्या के बीच में पांच परमीय संख्या निकालनी है तो आप पांच में एक जोड़ लोगे और फिर जितना आएगा उससे अंश और हर में गुड़ा कर दोगे ठीक है अगर दो परमीय संख्या के बीच में सात परमीय संख्या निकालनी है तो आप सात में एक जोड़ लोगे आठ आएगा ना आठ से अंसहर में गुड़ा कर दोगे ऐसे अगर पंद्रह निकालनी है तो पंद्रह में एक जोड़ लेंगे सोलह हो जाएगा सोलह से गुड़ा कर देंगे यानी जितनी निकालनी है उससे एक अधिक करके गुड़ा कर देंगे है ना चलिए ठीक है अब देखिए साथियों इनके दो पार्ट होते हैं वास्तविक संख्या में एक होता है परमीय संख्या और एक होता है अपरमीय संख्या जिन्हें रेफनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं और इन्हें नंबर कहते हैं ठीक है बच्चा इन्हें क्या बोलते हैं है अलग अलग रेफनल नंबर में अलग अलग कई भाग होते हैं ठीक है समझना बात बात पक्की क्लियर रेफनल नंबर में अलग अलग कई भाग होते हैं देखना वो मैं बताया हूं अभी जैसे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या वगैरह वगैरह ना बस आपको इतना ही बताना था इसके आगे आपका काम नहीं है यहां पर अब इतना समझ लो बस इसको मिटा दूं अब मिटाओ नहीं 1.2 में क्वेश्चन देखो इसी के आधार पर समझो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन देखो बच्चों क्या ट्रू और फाल्स करना है यानी नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं Uh, कारण के साथ अपने उत्तर बताइए मीन्स जो स्टेटमेंट दिए हैं वो ट्रू है या फाल्स है उसके लिए उसका रीजन भी दीजिए अगर ट्रू है तो क्यों और फाल्स है तो क्यों क्लियर आओ चलो देखते हैं पहला कथन है कि प्रत्येक अपरमी संख्या एक वास्तविक संख्या होती है बताइए जितनी अपरमीय संख्या होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है कि नहीं बोलो हाँ या नहीं हाँ हा, सही है क्यों सभी अपरमीय संख्या वास्तविक संख्या होती है भाई ऐसे समझ लो अगर कहा जाए कि एक नदी का मैंने एक लीटर पानी लाया है तो हम कह सकते हैं कि ये पानी उस नदी का है यानी लीटर में जितना पानी है ये सारा पानी उस नदी का गंगा जी का है ये कह सकते हैं लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता है इसका उल्टा नहीं हो सकता है कि नदी में जितना पानी बह रहा है वो हमारे लीटर का है हा? नदी में जितना पानी बह रहा गंगा जी में वो सब हमारे बल्टी में का है घर से ले गए ऐसा तो नहीं हो सकता ना लेकिन नदी से अगर हम गंगा जी से एक लीटर पानी लाए गंगा जल लाए तो कह सकते हैं कि ये गंगा जल गंगा जी की से मतलब गंगा जी से लाए हैं समझ रहे हो ना वैसे क्या है ये भाई इसका एक प्रकार से उत्पत्ति का स्थान है ये पिताजी हैं इनके दो बच्चे हैं एक परमीय अपरमीय समझ रहे हो ना तो हम कह सकते हैं कि अपरमीय की पिताजी पर ये वास्तविक हैं मतलब ये इनके क्या है पापा हैं बाप हैं इनके लेकिन ये नहीं कह सकते हो क्या कि इनके बाप ये हैं उल्टा हो जाएगा समझ रहे हो आप इतना समझ गए होंगे क्योंकि ये इसका एक भाग है हम यहाँ पे कह सकते हैं इसके रीजन में सीधा सीधा एक लाइन में क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर परमीय धन अपरमीय संख्या होती है क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर परमीय संख्या धन अपरमीय संख्या होती है एक लाइन में आप है जी कमेंट आ रहा तुम्हारा ठीक है कमेंट आ रहा बच्चा पढ़ लो बस अब सेकेंड पॉइंट देखो इसमें सेकेंड नंबर फर्स्ट तो हो गया आपका सेकेंड नंबर देखो रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है बताइए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है वो अंडर रूट यम के रूप का होता है इसका आंसर है नहीं ना ऐसा नहीं होता है साथियों संख्या रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं बहुत सारे पॉइंट होते हैं तो सभी अंडर रूट में नहीं होते हैं यहां पे जीरो होता है वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ठीक है क्लियर समझना कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता नहीं क्योंकि संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु हैं, वो सभी रूट में नहीं होते हैं ठीक है क्योंकि संख्या रेखा पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पूर्णांक होते हैं और कोई भी निगेटिव पूर्णांक किसी प्रकृति संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है ठीक है समझ रहे ना हाँ दूसरे का नहीं क्योंकि संख्या रेखा पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के इंटीजर होते हैं और वंडर रूट में आ जाए सब ये पॉसिबल नहीं है शि कुमार पढ़ाई कर लो बेटा सिर्फ पढ़ाई कर लो बस बोलो मत अगला थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कह रहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमीय संख्या होती है प्रत्येक वास्तविक संख्या जितनी भी रियल नंबर होती हैं वो सभी अपरमीय होती हैं बोलो हाँ सही है कि गलत जैसे कहा जाए ना कि एक कोई इंसान है जिसकी मान लो दो संताने हैं दोनों लड़के लड़के हैं तो क्या कोई ये कह सकता है कि हाँ भाई जितनी भी पिताजी की धन संपत्ति है वो एक कई लोग की है फलाने कुछ नहीं है ऐसा तो नियमानुसार पॉसिबल नहीं है अगर किसी भी इंसान की कुछ संपत्तियां हैं उनके दो बच्चे हैं तो उनका आधा आधा होना चाहिए आजकल देश समाज में यही होता आया है है ना तो ये असत्य हो जाएगा क्यों क्योंकि वास्तविक संख्या के दो बच्चे हैं यानी दो प्रकार इनके दो भाग हैं वास्तविक संख्या के एक प्राकृतिक है एक काल्पनिक है लेकिन हम कहा जा रहे हैं अभी क्वेश्चन में देखने दो एक मिनट को तो संख्या अपरमीय तो वास्तविक संख्या में दो प्रकार है ना अपरमीय तो जितनी भी वास्तविक संख्या है वो अपरमीय नहीं है सभी ये ना है ना नो इसका आंसर होगा नहीं असत्य इसका आंसर होगा असत्य असत्य इसलिए होगा क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परमीय नहीं होती है इसमें परमीय भी आती हैं इसमें परमीय संख्या भी आती हैं ठीक है सभी बच्चे क्लास को लाइक शेयर जरूर करो बाबू ठीक है हम्म रेगुलर क्लास शाम सात बजे से फ्री चलती है कल आपको नोटिफिकेशन आएगा कल से हजारों बच्चे क्लास में आएंगे रात के डीएलएड वाली क्लास मैंने कल से बंद कर दिया है तो उसका नोटिफिकेशन आ जाता था इसलिए इसका नहीं आता था तीसरा क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर पहला सब खत्म हो गया सॉरी दूसरा नंबर दूसरा नंबर देखो समझो कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपर होते हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमीय होते हैं बताइए यदि नहीं तो किसी ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परमीय हो यानी इनका कहने का मतलब जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गमूल अपरमीय होते हैं जैसे मान लो मैंने चौसठ ले लिया सिक्सटी फोर ये धनात्मक पूर्णांक है ना सिक्सटी फोर इसका वर्गमूल करेंगे बाबू तो ये प्लस माइनस आठ आएगा ना आठ आएगा ना और आठ एक परमीय संख्या है आठ क्या एक रेफनल नंबर है आप लिख दीजिए नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल मूल नहीं हो सकते हैं उदाहरण 64 एक धनात्मक पूर्णांक है 64 एक धनात्मक पूर्णांक है लेकिन इसका वर्गमूल, प्लस आठ एक परमीय संख्या है क्या है एक परमीय संख्या है समझ गए ना लिख लीजिए फटाफट आगे बढ़ते हैं तो बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर तीन दो तक खत्म हो गया तीन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर तीन एक्सरसाइज वन पॉइंट टू का वन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए बच्चों आज जो क्लास चल रही है ना बाबू ये आपका एक नया बैच है उसी के माध्यम से चल रही है समझ रहे हो ना आप लोग हुँ? चलो थर्ड नंबर देखो कितने लोग पटरी प्रकार लिए हो बताओ तो आगे बढ़े पटरी प्रकार लिए हो इसमें कुछ बनाना खींचना पड़ेगा इसका पॉजिटिव नंबर से क्या रिलेशन है प्रतिभा सिंह क्वेश्चन में तो पढ़ो क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी धनात्मक के वर्गमूल अपरमीय होते हैं धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमीय होते हैं ऐसा ये कह रहा है जबकि ऐसा है नहीं क्वेश्चन पढ़ेंगे तब क्लियर होगा बात और क्वेश्चन एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आता है आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए हजार बार पढ़िए और कोई भी गलत लिंक नहीं देगा अगर आप गलत लिंक कमेंट करेंगे तो आपको गड़बड़ कर दिया जाएगा यहाँ से ये बात जान लेना ठीक है ये लिंक आप बनाए हो क्या मिस्टर मनोज जी आप ये लिंक बनाए हो क्या नाइन्थ वाली जो लिख दिए हो टेलीग्राम की लिंक हमें लग रहा है ये सही नहीं है बच्चा हा? ये बनाए हो मुझे लग रहा है ना आप लिंक आप चैनल से जाके कॉपी किया करिए ठीक है एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं एक मिनट देखने दीजिए बता रहे हैं कल रवि शंकर भी एक ऐसा चैनल बना के अलग से लिंक दे रहे थे तो ये सब तो भाई गड़बड़ कर रहे होते हैं आप लोग जिनको भी जो भी स्टूडेंट लिंक कमेंट करते हैं वो चैनल का लिंक जा करके चैनल फैला के दिया करें ऐसे ना कमेंट कर दिया करें इधर उधर से ठीक है ये लिंक इन्होंने बनाया हुआ गलत है क्यों भाई तो फालतू का लिंक का है कमेंट करते हो वह मतलब क्या मतलब है ऐसी लिंक कमेंट करने का बना लेते हो मतलब डायरेक्टली और इसमें नाइन्थ बना दिए हो क्या बताएं आप लोगों को पांच मिनट के लिए अभी आपको हम रोक रहे हैं उसके बाद आप अगर चैनल का लिंक दे रहे हैं तब तो अच्छा है हाँ इधर उधर का लिंक देंगे तो फिर कौनो मतलब है नहीं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो समझो क्या कह रहा है बच्चों थर्ड नंबर कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट पांच को किस तरह से निरूपित किया जा सकता है दिखाइए अंडर रूट पांच को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित किया जा सकता है जवाब दीजिए बोलिए अंडर रूट को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित किया जा सकता है बोलिए आइए बात करते हैं देखिए साथियों सबसे पहले आप एक काम करो वो क्या है आ, सबसे पहले आप संख्या रेखा बनाओ संख्या रेखा बनाओ यहाँ पे नंबर लिखो यहाँ पे मान लो जीरो हो गया धीरे धीरे बढ़ाते जाओ वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन टू थ्री ठीक है देखो अंडर रूट पांच अब यहाँ संख्या रेखा पर तो रूट पांच आएगा नहीं कहीं हाँ संख्या रेखा पर तो रूट पांच आएगा नहीं ऐसे आसानी से तो हम एक काम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं आप एक काम करो अगर हम लंबाई को सर्वप्रथम एक संख्या रेखा खींचना है पहले सुनो पहले सुन लो क्या क्या करना है सर्वप्रथम एक संख्या रेखा खींचना है फिर आधार दो सेंटीमीटर तथा लंब एक सेंटीमीटर मान करके अंडर रूट पांच को पाइथागोरस परमी से प्राप्त किया जाएगा ठीक है आधार को यहां तक दो सेंटीमीटर और लंब को एक सेंटीमीटर हम मानते हैं यहां तक होगा यहां तक ऐसे इसको मिला देंगे ठीक है बच्चा तो ये दो सेंटीमीटर हो गया नीचे और ये एक सेंटीमीटर हो गया पाइथागोरस परमीय पढ़े हो कि नहीं पाइथागोरस परमीय से लगाओगे बच्चा तो ये वन है ये टू है अगर आप ऊपर वाला ये निकालोगे तो रूट पांच आएगा बोलो आएगा ना आएगा ना भैया तो आपका अंडर रूट पांच आ जाएगा और हमें संख्या रेखा पर रूट पांच को दिखाना था तो रूट पांच को क्या करेंगे दिखा दिया Q -R, यहाँ पर नाम मैंने लिखा कि नहीं आ, कुछ लोगों को इसको खींचने में कंफ्यूजन होगी यहां पर मान लो नाम रख लो क्यू और यहां पर नाम रख लो एक आर और एक पे पी यहां पे मान लो ये पी नाम है यहां पे आर, ठीक है क्लियर तो ये हो गया आपका लिख लीजिए इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है रूट पांच को दिखाना था संख्या रेखा पर मैंने दिखा दिया अच्छा एक बात बताओ ये समझ में आया सबको अगर आया तो बोलो हाँ यस यस सभी को समझ में आया सभी को समझ में आया बोलो यस आया चलो अनुराग सुमन आरती कुमारी अश्वनी शशि ललन रविदास ठीक है तो बच्चा देखो आपका चौथा नंबर जो क्रियाकलाप वाला इसमें कुछ करना नहीं है इसका कहीं कुछ आने वाला है नहीं आपका ये चैप्टर वन पॉइंट टू खत्म हो गया वन पॉइंट टू खत्म हो गया शशि कुमार अभी आप इस वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना ठीक है इस वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना दोबारा एक बार देख लेना क्या जाता है यह क्लास शाम सात बजे से सात चालीस तक होती है अगला हेडिंग डालिए दशमलो संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार सॉरी तो वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार लिखो वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार लिखो फटाफट वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार साथियों क्या आप दशमलव प्रसार जानते हो नहीं हम्म दशमलव प्रसार जानते हो आप लोग बोलो अगर जानते हो तो बोलो नहीं जानते हो देखिए यहां पे लिखिए आप, आप लोग जैसे कि आपके बुक में दिया गया है कई संख्याएं होती हैं मतलब कई प्रकार के इसमें होते हैं पहली स्थिति लिखो पहली स्थिति शेष शून्य हो जाता है लिखिए स्थिति फर्स्ट जब शेष शून्य हो जाता है जब शेष शून्य हो जाता है ठीक है इसमें फ्रैक्शन लिखो देखिए कई तरह की भिन्न होती हैं साथियों हो। कुछ में शेषफल शून्य आ जाता है कुछ में शून्य नहीं आता है ये चीज आप यहां से समझना ठीक है हम्म यहां समझना ये चीज इनको आप भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा बोलो रिपीट नहीं होती बार बार शेषफल शून्य हो जाता है यहां पर रिपीट नहीं होना जो रिपीट होती है उसको दूसरा कुछ बोलते हैं ठीक है वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग नॉट रिक्वायरिंग वो बाद में बताएंगे अभी पुनरावृत्ति वाला वो अलग चीज है ठीक है तो साथ ही मेरे अगर हम ऐसे करें वन में टू का भाग करें तो पहले जीरो बार जाएगा वन आएगा ऊपर दशमलव बढ़ा के जीरो उतार लोगे दुई पंचे दस यानी ये कितना आएगा जीरो पॉइंट फाइव आएगा जीरो पॉइंट फाइव आएगा ना आएगा ना हुँ? क्लियर चलो अब आगे बात करते हैं ये ठीक है इसी तरह से अगर हम इसको भाग करें पहले जीरो बार ले जाओ जीरो आएगा सात उतारो दस हमलो बढ़ाओ जीरो उतारो आठ चौंसठ, घटाओगे आएगा जीरो उतारो आठ सतह छप्पन देखो इसमें जीरो आ रहा है क्या इसमें भी जीरो आ रहा है क्या हम्म आएगा इसमें भी जीरो आएगा करके देखो आठ सतेह छप्पन घटाओगे चार आएगा ऊपर से अब जीरो उतार लोगे क्योंकि एक बार दशमलव बढ़ा है तो आठ पंचे चालीस इसमें भी जीरो आया लेकिन थोड़ा स्टेप बढ़ने के बाद तब आया ये वो फ्रैक्शन है ये वो स्थिति है जब जीरो हो जाता है लेकिन ऐसा हर स्थिति में जरूरी नहीं कि जीरो आ जाएगा ठीक है इसमें स्थिति नंबर सेकंड होती है स्थिति नंबर थर्ड होती है फोर्थ होती है बहुत सारी मतलब सिचुएशन होती है दूसरा आप लिखेंगे हाँ इन्हें क्या बोलते हैं जब सेस्पल जीरो हो जाता है लिख लीजिए नीचे उसके चाहे तो ऐसी भिन्नों को, भिन्नो को आ, या फिर एक मिनट रुकने दिखने दीजिए इसमें कैसे क्या दिए हैं हाँ ऐसी भिन्नों का दशमलव प्रसार शांत होता है लिख लीजिए जब से शून्य हो जाता है ऐसी भिन्नों का दशमलो प्रसार शांत होता है शांत ब्रेकट में टर्मिनेटिंग होता है यही तो होता है ना टर्मिनेटिंग हाँ लिख लीजिए दूसरा लिखिए जब कभी भी शून्य नहीं होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग जिन्हें बोलते हैं स्थिति दूसरा लिखिए जब शेष कभी भी शून्य नहीं होता है जब से कभी भी नहीं होता है ऐसी भिन्नों को ऐसी भिन्नों को क्या बोलते हैं ऐसी भिन्नों का दशमलव प्रसार तो होता है जिन्हें नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग भिन्न मतलब कहते हैं ठीक है आवर्ती जिन्हें बोलते हैं हिंदी में अनावर्ती अनावसानी आवर्ती। हिंदी बड़ी कठिन है हिंदी बड़ी कठिन है भाई आप इंग्लिश में जान लो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग यानी ऐसी भिन्नों को जब शेष कभी शून्य नहीं होता है ऐसी भिन्नों का दशमलव प्रसार अशांत होता है यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग जैसे एग्जाम्पल लिखिए वन पॉइंट सेवन इनको भाग देके देख लो कभी भी ये जीरो नहीं आएगा ये बार बार जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा रिपीट होता जाएगा समझ रहे हो नॉन टर्मिनेटिंग कभी टर्मिनेट नहीं होगा रिक्वायरिंग बार बार रिपीट होता रहेगा ऐसे कोई और एग्जाम्पल बताओ ऐसे कोई और भी एग्जाम्पल किसी के माइंड में आ रहा है खोपड़ी में बताओ हमें तो लग रहा है ये भी हो जाएगा क्या वन अपान थ्री भाग दे देखो करके देखो भाई एक एक सभी बच्चे आज नोटिफिकेशन नहीं आया लास्ट है कल से नोटिफिकेशन आएगा जो भी बच्चे पी स्टडी का टेलीग्राम चैनल का कमेंट करते हैं लिंक देते हैं वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन आप लोग ये लिंक बना कैसे लेते हो भाई हाँ पी वी आर स्टडी चैनल से जा करके बना के मतलब चैनल से ला करके दिया करो कॉपी करके आप लोग तो फर्जीय बना लेते हो ऐसे कल रविशंकर दे रहा था हमार कहीं बनाया था पावर स्टडी बनाया था जो भी छात्र रेगुलर फ्री क्लास पढ़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आज का क्लास यहीं तक बहुत बहुत धन्यवाद सात बजे से क्लास शुरू होती है चालीस मिनट की क्लास होती है पैंतीस मिनट की थैंक यू